हूँ और ऑडियंस में जो लोग आए हैं आशीर्वाद बढ़िया लेने के बढ़िया लिए, सर, मैं बताइए। सबका सर झुका के स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बेटी के बाप होने के नाते एक शेर मैं कहना चाहता हूँ कि गुल अब गुलिस्ता होने लगे हैं, गुल अब गुलिस्ता होने लगे हैं, जमी से आसमां होने लगे हैं, और बुढ़ापा इसलिए अच्छा लगा कि बच्चे अब जवां होने लगे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रूप जी, और आप सभी की उपस्थिति में सभी का हृदय से आभार भी मान लेना चाहती हूँ, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का, उनके आशीर्वाद के लिए सभी गुरुजनों का विशेष आभार, सभी विशेष अतिथियों का, हमारे म्यूजिशियंस जिन्होंने इस मंच पर इतने अच्छी तरह से साथ दिया, साउंड इंजीनियर अनीश चकोर, ग्राफिक डिजाइनर उत्कर्ष जी, लाइट्स माज मंसूरी जी, सोहम प्रतिष्ठान के श्री विनय श्रीकांत मोरे जी जिन्होंने विशेष योगदान दिया, और हृदयेश आर्ट्स पीआर के लिए अनुषा आई। आभार मान लिया तो ये मत सोचिएगा कि कार्यक्रम खत्म हो गया है, क्योंकि ये इतनी टैलेंटेड लड़की है, इसकी प्रतिभा की अभी एक झलक हमने देखी है, अरे आराम से, बहुत अब कुछ बाद अभी में हमें उससे देखो। सुनना बाकी है, और हम लोग तो एक दो फरमाइशें भी रीवा तक पहुंचा रहे हैं कि वो हमारी फरमाइशें भी पूरी करेगी, तो ये पर्दा बस 2-4 मिनट के लिए बंद। कॉन्सर्ट के बाद रीवा एक बहुत ही स्पेशल बच्ची है, वो क्या नहीं कर सकती। आई एम अमेज, आई मीन आई एम अमेज कि वो गाती है, वो पंजाबी भी गा लेती है, मराठी भी गा लेती है, वो कर्नाटक म्यूज़िक भी गाती है, इंडियन प्योर इंडियन क्लासिकल भी करती है, फिर माइकल जैक्सन के गाने भी गाती है और मोजार्ट भी प्ले कर सकती है। इतना रेंज मैंने ऐसे छोटे से यंग कलाकार में नहीं देखा पहले। आई एम अमेज इट हर, आई थिंक म्यूज़िक जस्ट फ्लोज इन हर, इट्स इन हर ब्लड, एंड शी इज़ गोइंग टू शाइन। आई थिंक शी इज़ जस्ट लॉन्च्ड हरसेल्फ एंड शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, शी इज़ गोइंग टू बी वेरी फेमस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग मोर एंड मोर फ्रॉम हर। ओके, अगर बात करें उनके एल्बम सॉन्ग की सैंपल, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सुंदर भी है, सुंदर भी है, उसने वीडियो में भी है, सो शी लुक्स लवली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, बहुत सुर में गाती हैं, एंड शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, सो आई एम वेटिंग टू सी वेयर दिस लिटिल डायमंड विल गो। क्या लगता है जल्दी बॉलीवुड में एंट्री हो जाएगी? कहीं भी हो जाएगी, आई मीन फॉर समबडी हु सो टैलेंटेड, आई डोंट नो, आई थिंक वी शुड लेट हर फ्लाई एंड सी वेयर शी गोज, बिकॉज इट्स लाइक शी इज फ्लोइंग विद म्यूजिक, शी इज एंड शी इज वेरी स्वीट, वेरी सिंपल, वेरी हम्बल, ऐसी रहेगी तो वो चमकती ही रहेगी। ओके, जूही मैम, बिसाइड्स दिस यू नो नाना पाटेकर और साजिद खान के अलावा सब लोगों को पता भी नहीं है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। रीवा को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है कि वाकई इतनी बड़ी होगी, इतना बड़ा शो, फैंटास्टिक, अमेजिंग, शी इज़ बिन वर्किंग सो हार्ड फॉर ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से बड़ी मेहनत कर रही है और अब लग रहा है कि मेहनत रंग ला रही है, तो खुशी होती है। मैं समझ सकता हूँ कि रूप की और सोनाली की जो दिली स्थिति है वो कैसी होती है बच्चों को जब इस तरह से देखते हैं। आई थिंक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक पोटेंशियल, द रेंज इज़ वेरी गुड, एंड आई कैन ओनली विश हर ऑल द बेस्ट, बेस्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स ऑल आई कैन से। ओके, अगर उनकी बात करें एल्बम सॉन्ग की जो उन्होंने आज लॉन्च किया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं सावन से पहले से परिचित हूँ, तो मुझे तो मतलब वो मेरे जहन में काफ़ी अच्छी तरह से बस चुका है, सो आई कैन से इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस, इट हैज़ इट टचेस ऑल द इमोशंस, एंड शी हैज़ डन रियली वेल, शी हैज़ बीन एबल टू, एक गायकी कोई भी हो उसके अंदर एक टेक्निक होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इमोशन, एंड आई थिंक शी इज बैलेंस्ड इट ब्यूटीफुली। ओके सर, ये भी जानना चाहेंगे, बीइंग अ शेफ आपका पर्सनल इंटरेस्ट कितना है, सिंगिंग वगैरह कितना पसंद करते हैं? काफ़ी शौक है मुझे, आई एम सो अभी हम बात कर रहे थे कि जितने गाने वाले हैं उनको खाने का बहुत शौक होता है, और जो खाने अच्छा वाले होते हैं उनको संगीत से बड़ा
लगाव होता है। तो अगर मेरे ऑफिस में अगर आएंगे तो वहाँ पर जहाँ मैं बैठता हूँ तो वहाँ पे एक साइड में ड्रम किट है, दूसरे साइड में गिटार है, एक साइड में ऑक्टोपैड है, एक की बोर्ड है, तो पूरा ऐसे लगता है एक म्यूजिशियन का रूम लगता है, शेफ का रूम नहीं लगता। सो यस, आई लव म्यूजिक। मैं म्यूजिशियन नहीं, नहीं, ऐसे इतने सारे लोग यहाँ पे हों और ऐसे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। खाना बनवा लो मुझसे। थैंक यू। रीवा का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा, ट्रस्ट मी, बच्चन साहब का एक वर्ड याद आता है, अद्भुत, अमेजिंग, फैंटास्टिक। जो कॉम्बिनेशंस उसने लिए हैं एट दिस एज, आउट ऑफ द बॉक्स। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा है जो हम हिंदुस्तान में गर्व करेंगे कि ऐसे एक फनकारा पैदा हुई अपने बीच में। देखिए, ये बोलना माता पिता सिंगर है इसलिए बच्चे में टैलेंट है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं मानता। बच्चे में भी वो लगन, वो उत्साह होना ज़रूरी है। आप एक सरसरी तौर पे स्पोर्ट्स की एक बात करें, सुनील गावस्कर साहब, रोहन गावस्कर, तो ये बोलना कि माँ बाप का इनबॉर्न टैलेंट है, नहीं। देखिए, उनकी अपनी मेहनत भी है। जीन्स जेनेटिक होते हैं, जीन्स ट्रेवल विद इन यू, बट अपने आप में मेहनत करना, प्रयास करना और इस चरण सीमा पर पहुंचना, अपने आप में भी कुछ हुनर होना ज़रूरी है। दैट्स व्हाट रीवा इज ऑल अबाउट। मैंने कहा अद्भुत, मेरे पास अल्फाजों की कमी है। मैं क्यों, आप किसी से भी बात करेंगे, उनका यही कहना रहेगा, शी इज़ मल्टी टास्कर, फैंटास्टिक टैलेंट, एंड इन द ईयर्स टू फ्लो बाय वी विल सी हर डूइंग वंडर्स फॉर द इंडियन कॉन्टिनेंट। सर, आप भी नए प्लेटफॉर्म, नए नए लोगों को अप्रिशिएट करते, नए नए प्लेटफॉर्म देते, उसके बारे में यार मैं छोटा सा प्राणी हूँ हिंदुस्तान शहर में। अगर मैं कुछ कर पाया बिफोर लीविंग द वर्ल्ड, सराहनीय होगा मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
बस ये कहूँगा कि रीवा बहुत उमदा फनकार है, हर शैली वैरायटी है उनके गाने में। अरे दो मिनट साइलेंस का, फिर से बोलूँगा मैं। रीवा इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो हिंदुस्तानी, कर्नाटक, वेस्टर्न सब सीखी हुई है, पियानो भी बजाती है पार एक्सलेंस, और बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी। और मैं ही चाहूँगा कि शी बिकम्स अ फिनोमिनल आर्टिस्ट नेशनली एंड इंटरनेशनली। थैंक यू।
I've been learning a lot of music since childhood. I've been learning Karnataka, I've learned Hindustani, I've learned Western classical piano. This is my first love right here. So I wanted to showcase all of them, because then if you've learned, then you might as well use it somewhere or the other. And I'm still learning, and the learning never stops. And I feel great that the audience gave such a overwhelming response, and I think they really loved the concert. So I feel blessed, right? What are the forms you performed today? I performed Karnataka, I performed Marathi, Bhavgi, then I performed Hindustani classical, Tumri, Tappa, I performed a sonata by Mozart, I sang some English pop and some of my original compositions. Rehearsals took months actually. It took months, because you have to get everything together. And actually, मेरे को चार पांच गाने काटने पड़े, because we didn't have much time, so I had to cut off some good songs. But I think for the next concert, I'll be more prepared. And this is just the beginning. I will work harder, and yeah, I hope I make my listeners happy. They've been my pillar of strength, and they have always given me that comfort and that love that I needed, and that support, and they've never imposed themselves upon me, and I'm really grateful to them for being the way they are. I don't know how it happened. I really don't know, but I'm I don't have words to say. I'm totally speechless, and I just need her blessings throughout, and this show was dedicated to her, and I don't know, I don't have any words, but I'm really very grateful, and I'll be always very grateful to her and the entire Mangeshkar family for supporting me. Yes, absolutely. It's because of Baba only that this show was possible. Yeah. That's it. I'm tired. Thank you. All the best to you. Oh, thank you. Yeah, ma'am. Thank you. Thank you. Throughout the concert, हमने आपको टेंशन नहीं देखा. अरे बाप. Finally, you're really. It was such a beautiful show. Yeah. How did you all put it together? I think बहुत मेहनत करी है उसने, और इस शो को क्योंकि अकेली स्टेज पर और डेढ़ घंटा उसने मोजार्ट भी बजाना है, माइकल जैक्सन भी गाना है, और सलामत अली खान साहब की ठुमरी भी गानी है, और शाश्वती जी का टप्पा भी गाना है, और बाला साहेब के मराठी गाने भी गाने हैं, तरुणा है, और आशा जी के गाने हैं, और क्या नहीं था इसमें. सारी चीज़ें जो है वो सब मुश्किल चीज़ें थी. तो मुझे लगता है कि ये इतना तैयार करने के लिए एक जन्म भी कम पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत, जिसको कहते हैं बीज बोना, तो ये बीज बोया गया है, और अब जो है वो धीरे 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 फसल, वो जितना रियाज करेंगे, जितना पानी डालेंगे, जितना खाद डालेंगे, इसका मतलब जितना रियाज करेंगे उतना उसमें चमक आएगा. कितना टाइम लगा ये शो को पुट टुगेदर करने का? ये करीब पिछले 3 महीनों की मेहनत है, क्योंकि बाबा आए थे अक्टूबर नवंबर में, तब बाबा ने कहा कि मैं एक शो करना चाहता हूँ, तो रुदना जी, तो उन्होंने फिर वो डेट बुक करी, और ये हॉल बुक किया, और तब से फिर जो है सारी प्लानिंग शुरू हो गई. I feel jealous.
मतलब ये तो हर कलाकार का सपना है, हर कलाकार का, चाहे वो सितार बजाने वाला हो, चाहे वो तबला बजाने वाला हो, चाहे वो गिटार बजाने वाला हो। दीदी बोलो तो आज के हमने तो सरस्वती को देखा नहीं है, लेकिन हमारे लिए सरस्वती वही है, हमारे लिए गॉडेस, उनसे बड़ा कोई नहीं है। और उनकी नज़रों में आ जाना वो बहुत बड़ी बात होती है, कि वो एक शेर है ना कि उनके कदमों में रख दिया सर को, हमने तकदीर यूँ बना ली है। तो सिर्फ उनके कदमों में सर रखने से तकदीर बन जाती है। तो यहाँ तो दीदी हाथ पकड़ के जो है उसको स्टेज तक ले आई, मतलब उसको यहाँ तक प्रेजेंट किया है। तो ये पिछले जन्म के उसके कुछ कर्म होंगे, कोई पिछले जन्म का कोई पुण्यात्मा होगा, या हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं और दीदी का प्यार है कि ये इतना बड़ा आशीर्वाद उसको मिला है। और मुझे लगता है कि अब उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि दीदी का आशीर्वाद उसे मिला है, तो उसको पूरा करने के लिए उसने मेहनत और ज़्यादा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, मीडिया वालों का, सब प्रेस वालों का, और जिन्होंने आज की इस महफिल को यादगार बनाया, मैं सबका तहे दिल से सोनाली की तरफ से और मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। बोलो, आज रीवा ने कैसे परफॉर्म किया? अभी रीवा का प्रोग्राम ख़त्म हुआ और सुन के बहुत मन को शांति मिली, इसलिए कि रूप कुमार राठौड़ और सोनाली, खासकर सोनाली, इनका मैं बहुत पुराना दोस्त हूँ, मित्र हूँ, बहुत पुराना। तो वो पहले मुझे गुरुजी कहते थे, मगर आजकल मेरी उम्र को देख के वो मुझे बाबा कहते हैं। तो उसी नाते से मेरी पोती ने आज बहुत अच्छा गाया, मुझे बहुत खुशी हुई। और बड़ी प्रतिभाशाली लड़की है, सभी प्रकार के गाने गा लेती है, खुद पियानो बजा लेती है, खुद अच्छा कंपोज कर लेती है, अच्छी लयकार है, अच्छे सुरीली है सबसे बड़ी बात, और गला तैयार है, चौखन्ना गला जिसको बोलते हैं। मैं क्या बोलूँ, मेरे को उसके लिए एक ही बोलना है कि मेरी बहन, बड़ी बहन लता मंगेशकर, मतलब दीदी, उससे कभी मुझे प्रेजेंट नहीं किया, ना कभी उषा जी को किया, ना कभी आशा भोसले को प्रेजेंट किया, किसी को प्रेजेंट नहीं किया उसको। हम सब लोगों से रिवा ज़्यादा अच्छा लगी, इसलिए उसने रिवा को प्रेजेंट किया, और रिवा के लिए इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, नहीं यार। नाउ आई एम, ऐसा लगता है कि बस अब दो दिन सो जाऊं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी फॉर रीवा, एंड एज अ मदर आई कैन ओनली प्रे दैट शी विल कीप ऑन क्लाइंबिंग दिस लैडर ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि संगीत ऐसी एक विशाल चीज़ है, ऐसा दरिया है कि जिसमें आदमी जितना तैरता है उतना वो आगे बढ़ता है। रीवा को आज जो आशीर्वाद मिला है उसकी तो कोई, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, लता दीदी का आशीर्वाद मिला है, मेरे गुरु पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी का उसको आशीर्वाद मिला है, और मेरी कभी मेरे गुरु ने तारीफ़ नहीं की आज तक, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है जब उन्होंने, जब हृदयनाथ जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी अच्छा गाती है, उस दिन मुझे लगा कि हाँ वाकई ये अच्छा गाती होगी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू थैंक द होल ऑडियंस ऑफ टुडे एंड ऑल द डिग्निटरीज हु हैड कम, और बस मैं यही चाहती हूँ कि रीवा अपनी मेहनत ना छोड़े,
और जो अलग अलग विधाओं में वो गा रही है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. कहाँ वेस्टर्न एक क्लासिकल मोजार्ट का पीस और कहाँ माइकल जैक्सन और कहाँ एक पंजाबी टप्पा और मराठी भावगीत. मतलब ये सब गाने के लिए सबसे पहले बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, ये सिर्फ पेश करने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जो मैं आई एम फीलिंग वेरी प्राउड. आई एम अ प्राउड मदर. थैंक्स थैंक्स.